बॉलीवुड स्टार सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या प्रकरण में लगातार कई खुलासे हो रहे हैं। अब पुलिस भी कई लोगों से पूछताछ कर रही है। इनमें वे सभी लोग शामिल हैं जिन्होंने इस मामले में सुशांत की आत्महत्या को लेकर खुलासे किए थे। हमने वो सभी खबरें चलाई थी जिसे नीचे दिए गए लिंक में जाकर देखा जा सकता है। ताज़ा खुलासा भोजपुरी लोक गायक सुनील छैला बिहारी ने किया है। उनका कहना है कि सुशांत को लगातार धमकियां मिल रही थी और वे एक महीने से परेशान चल रहे थे। इसी वजह से सुशांत ने एक महीने के भीतर 50 सिम कार्ड बदले थे। यह बात उन्होंने यूट्यूब में संदेश के माध्यम से कही है। सुनील छैला बिहारी ने आरोप लगाया है कि सिम कार्ड बदलने के बावजूद सुशांत को धमकियां मिल रही थी। धमकियों का आलम यह था कि वो इस वजह से, इस डर से लगातार अपना सिम कार्ड चेंज कर रहे थे और हमें जानकारी ये मिली है कि एक महीना में उन्होंने लगभग 50 बार अपना सिम कार्ड चेंज किया, यानी कि 50 सिम कार्ड उन्होंने बदला। उन्होंने बताया कि सुशांत के दोस्त संदीप सिंह नए सिम कार्ड के नंबरों की जानकारी धमकी गैंग यानी सलमान खान एंड गैंग को दिया करते थे। इसके बाद धमकी गैंग अपने गुंडों के माध्यम से सुशांत को कॉल करके धमकियां दिलवाते थे। धमकी गैंग यानी के सलमान खान एंड गैंग, धमकी गैंग। इसी वजह से सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या की या हत्या हुई। उन्होंने मांग की कि मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए। सुनील छैला बिहारी का आरोप है कि संदीप सिंह जैसे एक्टर को लगता है कि जब तक उन्हें धमकी गैंग, करण जौहर, एकता कपूर जैसे लोगों का साथ नहीं मिलेगा तो वे कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए संदीप सुशांत की सारी जानकारियां धमकी गैंग तक पहुंचाते थे। मीडिया में आ रही खबरों के मुताबिक मुंबई पुलिस की प्रारंभिक जाँच में भी पता चला है कि सुशांत सिंह राजपूत पिछले कुछ समय से लगातार सिम कार्ड बदल रहे थे। हालांकि मुंबई पुलिस ने इस पर कोई बयान नहीं दिया है, बल्कि जांच रिपोर्ट कोर्ट में पेश किए जाने के बाद ही इस पर कोई खुलासा करने की बात कही है। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में 5 डॉक्टरों की टीम ने पुष्टि की है कि सुशांत की मौत फंदे पर झूलने से हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, DNX TV, रायपुर।